तो पोकेमोन फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मेनलाइन गेम कुछ मंथ्स पहले अनाउंस हुई थी जिसका नाम है पोकेमोन लेजेंड ZA एंड आज के वीडियो में हम उसके ट्रेलर एंड अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये होने वाली है लेजेंड सीरीज की सेकंड गेम। लेजेंड सीरीज की फर्स्ट गेम थी पोकेमोन लेजेंड्स आरसीएस जो लॉन्च हुई थी 2022 में एंड मुझे वो गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उस गेम का गेम प्ले एंड वर्ल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई थिंक मेजॉरिटी लोग जिन्होंने आरसीएस खेली है उन्हें वो पसंद ही आई है। अब 2024 में निंटेंडो एंड गेम फ्रीक ने अनाउंस कर दिया एक ब्रांड न्यू लेजेंड्स गेम जिसका नाम है पोकेमोन लेजेंड्स ZA एंड इस गेम में हम देखेंगे कैलोस रीजन एंड लूमियोस सिटी। कैलोस रीजन हमने देखा था पोकेमोन एक्स एंड वाई में एंड आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रीजन है एंड एक बहुत अच्छी मेनलाइन पोकेमोन स्टोरी इस रीजन में सेटअप की जा सकती है। जैसे एक कैरेक्टर मेंशन होता है पोकेमोन एक्स एंड वाई में जिसका नाम होता है AZ जो हजारों साल से जिंदा है। एक वॉर का भी मेंशन होता है एंड एक काफी मिस्टीरियस मशीन जो बनाई गई थी उस वॉर में यूज होने के लिए। एक और चीज जो मैंने नोटिस की इस ट्रेलर में वो ये है कि हमें सिर्फ लूमियोस सिटी ही दिखाई गई है। सो क्या इस बार हमें एक स्टैंड अलोन सिटी ही मिलेगी एक्सप्लोर करने के लिए एंड डिफरेंट रीजन्स एंड एक मैसिव मैप नहीं होगा इस गेम में? एक छोटे मैप का मतलब है ज़्यादा डिटेल्ड सिटी जिसका मतलब है कि गेम की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी एंड डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट लैंडस्केप्स नहीं होंगे बट जो सिटी अवेलेबल होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड ज़्यादा डिटेल मिलेगी। उसके साथ ही गेम का प्लॉट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल सकता है हमें एंड क्योंकि ये पोकेमोन लेजेंड सीरीज का पार्ट होगी तो आई बिलीव कि इसके गेम प्ले मैकेनिक्स पोकेमोन आरसीएस जैसे ही होंगे एंड ये कुछ न्यू मैकेनिक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे एक न्यू एंड फन गेम प्ले एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। एक चीज़ जिसने बहुत हाइप क्रिएट की है पोकेमोन कम्युनिटी में वो ये है कि इस गेम में हमें फाइनली दोबारा मेगा एवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। मेगा एवोल्यूशंस आई बिलीव पोकेमोन प्लेयर्स का फेवरेट गिमिक रहा है अब तक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन रिलीज ईयर है 2025 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2025 में लॉन्च होने का मतलब है कि 2024 में पोकेमोन की कोई भी मेनलाइन गेम नहीं आएगी एंड गेम फ्रीक फाइनली टाइम लेके इस बार हमें एक अमेजिंग पोकेमोन डिलीवर कर सकता है जिसमें परफॉर्मेंस इश्यूज ना हो। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या ये गेम न्यू निंटेंडो स्विच पे भी आएगी या सिर्फ निंटेंडो के करंट निंटेंडो स्विच पर। निंटेंडो के डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग पोकेमोन लेजेंड ZA आ रही है फॉर दी निंटेंडो स्विच सिस्टम्स। सो क्या इसका मतलब ये है कि निंटेंडो स्विच 2 नहीं आ रहा है नेक्स्ट ईयर या फिर ये है कि निंटेंडो का नेक्स्ट कॉन्सोल भी एक नॉर्मल निंटेंडो स्विच ही है विद जस्ट सम माइनर चेंजेस एंड नॉर्मल अपडेट्स टू हार्डवेयर, जिसका मतलब ये होगा कि हमें एक कंप्लीट जनरेशनल चेंज देखने को नहीं मिलेगा फ्रॉम निंटेंडो। एज यूजुअल निंटेंडो ने हमें आंसर्स कम एंड क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं एंड अब टाइम ही बताएगा कि नेक्स्ट निंटेंडो स्विच कब आएगा। लेकिन चलो एटलीस्ट हमारे पास एक न्यू पोकेमोन गेम की बेसिक इन्फो तो है फिलहाल टू लुक फॉरवर्ड टू एंड जैसे ही मुझे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलेंगे अबाउट पोकेमोन लेजेंड्स ZA वैसे ही मैं आपको बताता रहूँगा। पोकेमोन लेजेंड्स ZA तो आएगी 2025 में लेकिन तब तक अगर आपको कोई निंटेंडो स्विच की गेम या कॉन्सोल बाय करना हो तो DNI स्टोर का इंस्टाग्राम पेज एंड उनकी वेबसाइट nistore.in को चेकआउट कर लेना। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपके क्या थॉट्स है पोकेमोन लेजेंड्स ZA के बारे में मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।